राजस्थान के अलवर में हुई दलित महिला उत्पीड़न की घटना को लेकर वैसे श्री नरेंद्र मोदी चुप्पी थे, लेकिन इस घटना पर मेरे बोलने के तुरंत बाद से अब ये इसकी आड़ में अपनी घिनौनी व घृणित राजनीति करने से भी बाज नहीं आ रहे, ताकि इसका चुनाव में इनकी पार्टी को कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए, जो अति निंदनीय व अति शर्मनाक भी है। और वैसे भी ये दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करना क्या जाने, जब ये अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपनी खुद की बेकसूर पत्नी तक को भी छोड़ चुके हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि बीजेपी में खासकर विवाहित औरतें अपने आदमियों को श्री मोदी के नज़दीक जाते देखकर ये सोचकर भी काफ़ी ज़्यादा घबराती रहती हैं कि कहीं ये मोदी अपनी औरत की तरह हमें भी अपने पतियों से अलग ना करवा दें। और अब ऐसे में पूरे देश की महिलाओं से मेरा ये खास अनुरोध भी है कि वे इस किस्म के व्यक्ति को अपना वोट कतई भी ना दें।